नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जानवरों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट यानी कि गाय भैंसों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, दूध दही घी मक्खन, ये सब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देसी गाय का लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। कल की वीडियो में हमारे पास एक कमेंट आया था, तो उस पर एक भाई साहब ने कमेंट किया कि आप दूध के बारे में ज़रा एक्सप्लेन करें, आपकी क्या राय है। सो उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना शुरू से लेके आज तक का खुद का ही उदाहरण दूंगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, उसी में आपको पूरा सारा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा और चीज़ें। तो 10-11 साल तक मैं ना गांव में रहा करता था, घर पे था गांव में, जो है आजमगढ़ मेरा घर है और फिलहाल मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। 11 साल तक मैं घर पे था, ठीक है, और वहाँ पे मैं बराबर जो है दूध दही घी मक्खन सब कुछ खाया पिया 10-11 सालों तक। और जो है गाय भैंसे चराता भी था मैं, शाम को जो है जब मैं पढ़ के आता था स्कूल से तो इवनिंग में मेरी ड्यूटी शाम को गाय भैंसे चराने की होती थी। गांव के सारे बच्चे जाते थे, चराते थे हम लोग, बहुत मज़े आते थे, ठीक है। वो दिन भी कभी याद आता है, फिर मन कहता जी उसी टाइम पे पहुंच जाए। तो 11 सालों तक जो है रहा और खूब दूध दही घी मक्खन सब कुछ खाया, ठीक है। हमारे गांव में घर पे जो है गाय भी थी भैंसे भी थी। तो कभी ऐसे है, देखिए हमेशा साल के 365 दिन तो दूध नहीं होता था, लेकिन जो भी है 6 महीने 7 महीने साल के ऐसे तो अवेलेबल रहता था। फिर मैं चंडीगढ़ चला आया और उसके बाद जो है मेरे को उसी टाइम पे ना, जब मैं 10-11 साल का था, ये वाइट वाली प्रॉब्लम भी हुई थी उसी टाइम पे, गांव में ही था जब मैं, ठीक है। अभी किस वजह से हुआ मेरे को नहीं पता, उस टाइम पे तो मैं मीट मछली वगैरह भी खाता था, ठीक है, दूध भी पीता था, हो सकता है कहीं किसी विरुद्ध आहार की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। जब मैं चंडीगढ़ आया और फिर पापा यहाँ रहा करते थे, पढ़ाई किया, और जो है फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद ना दूध नहीं पिया कभी भी, शायद इसकी वजह से नहीं पिया। और फिर 2010 तक मैंने दूध को हाथ नहीं लगाया और मैं यूं ही ऐसे ही पतला हुआ करता था, लेकिन फिट था, बहुत फिटनेस मेरी बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है। मतलब आप ऐसे देखते तो आप ये नहीं कहते कि जो है पतला था, लेकिन अच्छा लगता था दिखने में भी, ठीक है, दिखने में तो खैर अभी भी अच्छा हूँ। जो है 2011 में चाह के मैंने दूध पीना स्टार्ट किया और फिर मैं 7 साल तक कंटिन्यू पिया, और आप यकीन नहीं मानोगे दूध ऐसे ऐसे पीता था, लाता था शुरू में तो पूरा लिफाफा जो है वो कच्चे ही पी जाता था मैं, और इजी यूँ डाइजेस्ट हो जाता था मुझे, क्योंकि जब हम 20-22 साल के होते हैं ना तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़बरदस्त होता है, फास्ट होता है कि सब कुछ पचा देता। आज मैं कच्चा दूध पी लूँ तो मैं दो तीन दिन तक तो मेरा हालत ही ख़राब रहेगा, तो आज की तारीख में डाइजेस्ट नहीं हो सकता वो। तो इस तरह से जो है 7 सालों तक मैंने दूध पिया खूब दबा के। 2015-16 में मेरा वज़न भी गेन होने लगा था, मैं एक दो कुछ फोटोएँ अगर आपको दिखाऊँगा ना तो ये पेट भी ऐसे बाहर आने लगा था, और मेरे को पेट बाहर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पेट बाहर हो जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा बाहर, पेट बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, तो निकल रहा था, तो मैं सोचता था साला ये अंदर कैसे जाएगा और लेकिन उसके बाद जो है 2018 आते आते जो है मेरे को वही दूध जो है जहर बन गया, अपना रूप दिखाने लगा वो, ठीक है। हो सकता है थायराइड नहीं होता तो डायबिटीज़ होता था, अगले 5-10 सालों में डायबिटिक हो जाता मैं, कुछ ना कुछ तो करता जरूर, दूध ख़राब है, दूध जहर है वास्तव में, ठीक है, एक दिन में रंग नहीं दिखाता है लेकिन दूध ख़राब है हमारे स्वास्थ्य के लिए। आज की तारीख में तो मेरी ये सोच है कि अगर मुझे 100 साल जीना है तो दूध को नहीं छूना, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, देसी गाय का हो, बिलायती गाय का हो, किसी का भी, ठीक है।
इस प्रकार से जो है दूध, फिर उसके बाद भी मैं कंटिन्यू रखा जी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। 2 सालों तक डॉक्टरों के पास भी भटका, वो किसी ने भी नहीं बोला दूध बंद कर दो, दही बंद कर दो, घी बंद कर दो, ये सब जुड़ा हुआ प्रोडक्ट सारा बंद कर दो, किसी ने नहीं बोला। और जो है फिर मैं दूध खाता पीता रहा जी 2 सालों तक, बिल्कुल परेशान रहा। फिर जाके मुझे जी पता चला 10 महीने पहले जब से मैंने डाइट किया कि दूध तो जी बिल्कुल जहर है, यही रोगों का कारक है जी, दूध और गेहूँ का आटा। वहाँ से भाई साहब मैंने बिल्कुल दूध को ऐसे कर दिया साइड में, और जब से दूध छोड़ा मैं फिर प्रकृति को अपना लिया, एकदम सुखी हो गया जी। मुझे किसी गोली की ज़रूरत नहीं, मेरा कोई थायराइड फायराइड नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया, जितनी तकलीफ थी सब ख़त्म दूध छोड़ते ही। तो अब इस पूरी कहानी से आपने क्या समझा? 10 सालों तक दूध नहीं पिया, शुरू के 10 साल पिया गांव में था, फिर 10 साल नहीं पिया, बिल्कुल सुखी रहा, एकदम आराम रहा। फिर मैं 7 साल लगातार पिया, 7-8 साल, फिर पूरे शरीर को इसने कंडम कर दिया, ख़त्म कर दिया था। मेरे को इतना था कि मैं आगे 10-15 साल ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर कर ही नहीं पाते थे कुछ। साला गैस, एसिडिटी, कब्जी और ये थायराइड सत्यानाश कर रखा था बॉडी का, पेट साफ ही नहीं होता था, ठीक है। इस तरह से, और उनके पास कोई इलाज नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, दवाई देते 10 दिन साला आराम रहता है, उसके बाद फिर वही है। मैंने सोच लिया था कि अभी इससे ज़्यादा 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 15 साल निकाल पाएगा बॉडी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार से जी दूध को मैंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। तो जो है इस प्रकार से जो है ये देखे, दूध वास्तव में जहर है, और गलती से कहीं आप गांव में जाके ये बात बोल दिया, क्योंकि मैं खुद भी यादव से हूँ, यादव हूँ, यदुवंशी परिवार से हूँ, और भगवान कृष्ण भी यदुवंशी परिवार से थे, ठीक है। और यादव के घर में ज़रूर आप देखोगे कि गाय भैंस ज़रूर मिलेगी आपको, और वो रोज़ दूध पीते हैं, ठीक है। मेरे घर में, मैं गांव में चला जाऊं तो मेरे को भी ज़बरदस्ती दूध पिलाएंगे, बोलें अगर मैं ऐसे बोल दूं या आप जाके गांव बोल दें कि दूध जहर है, तो आपको मतलब कि इतनी गालियाँ देंगे आपको अपना कान बंद करना पड़ जाएगा, आपको वो ना पागल घोषित करने, ये पागल है ये समझ रहे, क्योंकि तब के ज़माने से जो है मतलब चला आ रहा जी, दूध तो बस अमृत है, दूध अमृत है, ठीक है। तो अब आप मान जाओ जब मैं खुद यादव हो के जो है ये बात आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जी, मैं तो देख चुका हूँ कि दूध क्या चीज़ है, आप समझ रहे हैं ना। एक यादव के लिए उसको दारू छोड़ने के लिए बोलो, दारू छोड़ देगा लेकिन दूध नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है। तो वही हाल मेरा भी था, मैं भी देखो मैं तो इसके डर के मारे 10 साल दूध नहीं पिया, लेकिन उसके बाद जो है 7-8 साल तक लगातार चीनी डाल के दूध पीता था, और सवेरे शाम पीता था तो ये हाल है जी। तो जो है अब जब मैं आपको मना कर रहा हूँ तो दूध नहीं पीना, तो दूध नहीं पीना, दूध वास्तव में जहर है, मैंने तो देखो प्रैक्टिकली देख लिया, पी के भी देख लिया, पी के क्या मिला, और छोड़ के भी देख लिया क्या मिला, सुखी हो गया बंदा। अब ना एक 5-6 महीने पहले तो मैंने ना 15 दिन की डाइट की थी, पूरा दिन गर्मियों में पूरा दिन तरबूज खरबूज की डाइट की थी, ठीक है, क्योंकि मेरा जो इंटेस्टाइन है ना ये इसमें जो टाइटनेस है पूरी तरह ना एकदम रिलैक्स नहीं हो पाया था अभी भी, मतलब प्रकृति से जुड़ने के बाद भी ये रिलैक्स नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा कि इसको ना साले को बिल्कुल रेस्ट दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया, पूरा दिन 15 दिन ना तरबूज खरबूज की डाइट की। तो शाम को ना इसमें ना ये 5-7 दिन बाद जो है इसमें ना गैस बनने लगती थी। अब आज की तारीख में मुझे पता है कि गैस 3 वजह से बनती है, एक शरीर में गंदगी जब जम जाती है, ठीक है, दूसरा जब कुछ गैसी प्रोडक्ट डालते हैं गैस वाली, जैसे आलू डाल दिया, ठीक है, और वो डाल दिया जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, अब क्या बोलते हैं उसको, गोभी, दोनों गोभी है ना, इस तरह से चीज़ें जब उस टाइप के प्रोडक्ट डालोगे तो भी गैस बनेगा। नंबर 2 बात, यानी कि आपका पूरा साफ़ है लेकिन प्रोडक्ट ऐसा डालोगे तो भी गैस बनेगा।
तीसरा जो रीज़न है, जब आपका पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा ना, जैसे मैंने 15 दिन की तरबूज खरबूज की डाइट की थी, तो शुष्कता आ जाती है इसमें, है ना, डाइजेस्टिव उसमें, तो फिर तो भी गैस बनती है। तो उसको वो चीज़ मुझे कहीं से पता चली, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने एक काम किया, ये ना घी इसमें डाला हुआ है मैंने, ये बाबा जी का घी, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया हुआ। तो मैं गया जी वहाँ से घी खरीद के ले आया, ठीक है, ये बाबा जी का घी है, मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने इसमें डाला हुआ, पैक कर दिया हुआ, ठीक है। तो खरीद के ले आया जाके, अब मैं इसको दो दो चम्मच डाल के खाया, हालांकि वो गैस वाला समस्या तो ख़त्म, क्योंकि वो लिक्विड मिल गया, वो मतलब जो है जो शुष्कता थी अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में वो ख़त्म हो गया, लुब्रिकेशन मिल गया ना। लेकिन सड़ा ये एसिड बहुत ज़बरदस्त बनाया, बनाता ही चला गया ये। मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन खाया, फिर 2 दिन गैप करके फिर खाया, फिर एसिड। तो ये एक नंबर का घटिया है, इसको तो आप गलती से मत खरीद के ले आना जी, ठीक है। ये देसी गाय का भी नहीं है और ये एक नंबर का घटिया है, तो ये मत ले आना, ठीक है। ये आपको 300-400 जो भी रेट, मेरे को याद नहीं आ रहा, 5-6 महीने हो गए मुझे। फिर उसके बाद जी मेरे को पता लग गया कि नहीं, ये जानवरों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट नहीं डालना शरीर में। तो उसके बाद मैं फिर उसके बाद से मैं कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। जब भी मेरे को लगता है कि जी डाइजेस्टिव ट्रैक में मेरे को थोड़ा सा वो देना है लुब्रिकेशन, तो मैं जो है ये कोल्ड प्रेस वर्जिन मैं ये ख़रीद के ले आता हूँ, ठीक है। ये 250 ग्राम है, इससे पहले मैं ख़रीदा था जो वो था 500 ग्राम, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं खा रहा था और ये मैं ऐसे ढक्कन खोल रहा था, ये साला नीचे गिर के फट गया, टूट गया सारा, 500 आधा किलो था और वो जो है टूट के सारा नीचे गिर गया, इससे पहले वाला। तो उसके बाद क्या हुआ जी, तो दूध घी मक्खन का मैं शौकीन तो हूँ। मैं ऐसे ना यूट्यूब पे देख रहा था एक दिन, तो कोई गुजरात कहाँ से थे मेरे को नहीं याद आ रहा, वो कह उन्होंने दिखाया कि जी ये हमारे पास गाय है, बिल्कुल देसी है, ये चारा हम खिलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध है। तो अब शौकीन तो मैं हुई दूध दही घी मक्खन का, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, मैं कहा यार अब मेरा तो फट गया साला ये, है ना, 500 ml वाला। तो मैं कहा अब इस बार ना ये बता रहा है शुद्ध है, तो चलो उसी को ख़रीद लेते हैं। तो ये क्या किया मैंने, ये ख़रीद के ले आया, ये पता 3000 रुपये लीटर है, ठीक है। तो ये फट गया, ये मेरे पास था नहीं, अदरवाइज़ तो मैं इसी को यूज करता, लेकिन मैं कहा चलो इस बार ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। महंगा बहुत है जी, मैंने थोड़ा ही मंगाया, ठीक है। तो ये 3000 रुपये, लेकिन ये 250 ग्राम ही मंगाया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, अब मैं इसको खाया, मेरे को एक भी पॉजिटिविटी इसमें से नज़र नहीं आई, एक सिंगल चीज़ भी अगर मेरे को पॉजिटिविटी नज़र आई होती, ठीक है, नकारात्मक चीज़ है। 3000 रुपये लीटर ख़रीद के भी मेरे को कुछ भी इसमें से पॉजिटिविटी नहीं मिला, सिर्फ नकारात्मकता। फिर मैंने थक हार के फिर मैं इसको मंगा लिया, ये देख रहे हो, ये थोड़ा आपकी 250 ml मंगाया हूँ, ठीक है, और अब इसको पैक करके रख दिया हूँ, अब मैं इसको खाऊंगा नहीं, ठीक है। अरे साला कुछ पॉजिटिविटी नहीं दे रहा तो तू कुछ नकारात्मक चीज़ भी तू मत दे, समझ रहे हो ना, शरीर में 2-4 दिन लगातार खाया, 3 दिन लगातार खाया, बॉडी में नकारात्मक चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही है। फिर छोड़ के 2-3 दिन बाद फिर दोबारा खाया, मैं कहा चलो फिर ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई किया एक बार, मतलब 3 बार इसको कर चुका हूँ, और ये अब पैक करके रख दिया, इसको मैं अब खाऊंगा नहीं। तो इस तरह से जो कोई भी कह रहा है, ठीक है, कि जी हम तो ये चारा खिला रहे हैं, हमारे पास तो शुद्ध देसी गाय है, 3000 रुपये लीटर घी है, बिल्कुल शुद्ध मिलेगा, तो भाई साहब एक बात आप कान खोल के सुन लो कि जानवरों से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में जाना नहीं चाहिए, ठीक है, देसी गाय का भी नहीं जाना चाहिए। एक यादव हो के बोल रहा हूँ, किसी यादव के घर पे ऐसे जाके बोल दोगे तो आपको 4 गाली बोलेगा, आपको पागल भी बोलेगा क्योंकि कोई भी यादव गाय के बारे में सुन नहीं सकता, बता दे रहा हूँ आपको लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने देख लिया है प्रैक्टिकली करके सब कुछ। थक हार के फिर से मैंने ये मंगा लिया है, अभी मंगाया हूँ 5-7-10 दिन पहले।
ठीक है, अब मैं ये वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जब भी मेरे को लगता है, मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इसको 2 चम्मच पी लेता हूँ। बेस्ट है ये, सबसे बेहतर है, ठीक है। प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ खा लो भाई साहब, लेकिन जानवरों से जुड़ा हुआ चीज़ गलती से मत डालना, चाहे वो देसी गाय का हो, बिलायती गाय का हो, जो मर्जी हो, ठीक है। ठीक होना है चाहे घर का ही हो, चाहे घर का ही हो, नहीं डालना है। प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ डाल दो ले आके, वो चलेगा। घर का देसी गाय का घी दूध मक्खन भी नहीं खाना है, मैं आपको यहाँ पे बैठ के बिल्कुल मना कर रहा हूँ, सरासर मना कर रहा हूँ। ठीक होना है, नहीं खाना है। सो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो है इस वीडियो से दूध के बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया हूँ, ठीक है। दूध पचता नहीं है, 5-5, 6-6, 10-10 घंटे लग जाता है। आज की तारीख में मैं दूध, एक पैकेट दूध ले आऊँ पीऊँ, मेरे को 2 दिन उसको क्लियर करने में लगता है और 2 दिन पूरे तकलीफ में रहूँगा, 2 दिन पूरे के पूरे भाई साहब, समझ रहे हो। दूध बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो कहते हैं गायें देसी हैं, ये है वो है, ठीक है, वो सब ब्रीड मिक्सअप हो चुकी है आज की तारीख में। कोई अगर दावा करता है कि मेरे पास तो शुद्ध है, झूठ बोल रहा है, वो मिक्सअप हो चुकी सारी की सारी गायें। बचपन में मैं जब घर पे था तब भी मैंने भैंसों को भी 5 लीटर से ज़्यादा दूध देते हुए नहीं देखा, भैंसों को भी मेरे घर पे या गांव के, गाय को 1.5 से 2 लीटर दूध देते नहीं देखा मैंने। लेकिन आज मैं देखता हूँ इंटरनेट पे बोलते हैं हमारे पास तो देसी गाय है, शुद्ध है जी, बिल्कुल शुद्ध है, 10 लीटर देती है, 15-15, 20-20 लीटर दूध देती है, ठीक है। ये बात मेरे को फिट नहीं होता, 10-10, 15-15 लीटर वाली बातें, 1.5-2 लीटर तक समझ आता है मेरे को गाय, और भैंसों का 4-5 लीटर। आप समझ रहे हैं ना बात मेरी। तो इस तरह से जो है वो सब बातें छोड़ दो, दरकिनार कर दो यार, कितनी कितनी लीटर दे रही है। बस सीधी सी बात ये है कि आपको जानवरों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, चाहे देसी हो, बिलायती हो, गाय, जो मर्जी हो, नहीं डालना है आपकी बॉडी, आपको ठीक होना है ना, तो ये बात आप नोट कर लो। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, कल एक भाई साहब का कुदरती शाम को फ़ोन आया, ठीक है, उनके छोटे से बेटे को कैंसर हो गया। अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि कैंसर, मैं एक जर्सी गाय खरीद के लेके आया था, उसका दूध उस अपने बच्चे को 2-2, 3-3 लीटर पिलाता था, मेरा बच्चा यूं हो गया था, लेकिन उसको कैंसर हो गया नीचे कहीं डाइजेस्टिव पता नहीं कहाँ पे, और कहते कि वो 100% दूध की वजह से हुए, मैं ये ठोक के बोल सकता हूँ। दूध ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं डालना है बॉडी में। इतने अच्छे से मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि दूध के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।